चैनल आशोदस किचन। आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं दही देकर सोयाबीन, वो भी बिना गार्लिक और जिंजर के। अगर आपके घर पर प्याज है सिर्फ और आप सोच रहे हैं कि क्या सब्जी बनाए, तो आप इस तरह से सोयाबीन की सब्जी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ सोयाबीन ले लिया। सोयाबीन को हम हल्का सिजन पानी में रख दिए थे, थोड़ा सा गर्म पानी में रखे थे, इसलिए सोयाबीन हमारा फूल गया है। और अब इसका पानी अच्छे तरह से इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकाल कर सब सोयाबीन को अलग कर कर रख देंगे और उसे दो तीन पानी से धो लेंगे। ओवन के ऊपर अब कढ़ाई रख दिया है और उसमें हम ले लिए हैं सरसों का तेल 1 टीस्पून, और उसमें हम तेज पत्ता डाल देते हैं। अब डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी और डाल देंगे 2 इलायची चीर कर। अब डाल देते 3 हरी मिर्च। अब डाल देते हैं प्याज को। प्याज को हम बारीक काट कर ले लिए हैं और यहाँ 3 प्याज लिया है, छोटा साइज का। आप चाहे तो 2 प्याज भी ले सकते हैं, बड़ा साइज। और सभी को चला लेते हैं और प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। देखिए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। और अब यहाँ हम डाल देते हैं दही को। दही को अच्छा से फेंट कर फिर डाल देते हैं लो फ्लेम में। हाई फ्लेम में दही फट जाता है। और डालते हुए मिला लेंगे हम सभी को। अब यहाँ पर हम सूखा मसाला डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर या फिर हरी मिर्च का मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हम डाल देते हैं मैगी मसाला। यहाँ हम डाल देते हैं चना मसाला। अब सभी को मिक्स कर लेते हैं और अच्छे तरह से भून लेंगे हम मसाला को और प्याज को सभी को एक साथ। देखिए, अच्छी तरह से हम मसाला को भून लिए हैं और मसाला से तेल निकलना चालू हो गया है। जब भी आप सब्जी बनाएं तो उसमें आप मसाला को अच्छी तरह से भून लें, नहीं तो फिर सब्जी का स्वाद नहीं आता है। तो देखिए, अच्छी तरह से मसाला को भून लिया है और इसमें हम डाल देते हैं सोयाबीन को। यहाँ डाल देते हैं सोयाबीन। सोयाबीन को हम अच्छी तरह से धो लिए थे। अब सभी को मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ, ताकि सोयाबीन में भी उसका फ्लेवर आ जाए मसाला का। उसके बाद हम इसे पानी ऐड कर लेंगे। पहले थोड़ा देर तक हम मसाला को भून लेते हैं सोयाबीन के साथ, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। देखिए, आप चाहे तो इस तरह से भी सोयाबीन को निकाल सकते हैं रोटी या फिर पराठा के साथ खाने के लिए, या फिर दाल चावल के साथ भी खाने के लिए इस तरह से ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसे पानी ऐड कर सकते हैं। और हम आपको याद दिला दें, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमें कॉमेंट कर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और इस तरह नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके पहले भी हम अपना चैनल पर बहुत सारा सोयाबीन का रेसिपी अपलोड किए थे, तो अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लें। देखिए, बनकर तैयार हो चुका है सब्जी और हम इस तरह से इसे उतार लेते हैं ऊपर से। अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, बनकर तैयार हो चुका है हमारा रेसिपी और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है। और अगर आपके घर पर गार्लिक और जिंजर नहीं है तो आप इस तरह से सिर्फ प्याज देकर भी बना सकते हैं ये रेसिपी। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। हमें कॉमेंट पर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और इस तरह नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।